तेरो जो कारण हो दायक हो उसे माता बता दी हो पिताजी कैसे व्याकुल हैं मुझे माता बता दी हो कारण जो कारण है जो सुनली जो नहीं पूछे उपका कारण जो कारण है जो सुनली जो तुम्हारे देह के राजा मनवली तई माना तुम्हारे प्रीत से राजा बड़े हैं धर्म से हमारे जो तुम चाहो सफल करना जो तुम चाहो सफल करना वाक्य कारण जो कारण है यार मान लिए ने एक वर्ष से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत को यह राज सिंहासन बेटा यही महाराज की बेचैनी का कारण है मत करना दादा के भरत तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है यदि पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो सर्वप्रथम समाज ही मुझे मूढ़ समझेगा माता बस इतनी सी बात है पिताजी दुखी हो रहे हैं ये तो बहुत ही साधारण सी बात है माता
हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं है, दिन बीत के देर नहीं लगती, 10 और 4, 14 वर्ष तो यूं ही निकल जाते हैं। अच्छा, बहुत हो रहा। और वैसे भी मेरे लिए तो तुम और भरत एक समान है। अगर भरत सिंहासन पे बैठेगा तो ऐसा लगेगा जैसे तुम ही सिंहासन पे बैठे हो। माता जी, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है माता जी। ईश्वर ना करे यदि इससे भी बड़ी विपत्ति कोई अयोध्या पर आन पड़े तो उसकी आन के लिए मैं सदैव तत्पर हूं माता जी। बेटा राम जी, पिताजी गले लगा लो बेटा, तुम्हारे ऊपर दशरथ के प्राण बेटा, इन प्राणों का पिताजी। बेटा इंदर आओ बेटा। माता जी अब मुझे आज्ञा दें, मुझे वन जाने की तैयारी करनी है माता जी। हाँ हाँ बेटा, अब विलंब अच्छा नहीं, महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं, शीघ्र ही तुम वन की ओर प्रस्थान करो। जो आज्ञा माता जी। प्रणाम माता जी, जीते रहो।